नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड के जनपद महोबा में कोरोना लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन की लाख कोशिशों और हिदायतों के बावजूद मुख्यालय में पेयजल आपूर्ति सुचारू होती दिखाई नहीं पड़ती है। मुख्यालय के कस्बा थाई कादीपुरा समेत कई मोहल्लों में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, जबकि पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शासन की करोड़ों रुपए की उर्मिल बांध पेयजल योजना केवल कागजी दावा बनकर रह गई है। बुंदेलखंड के जनपद महोबा में पेयजल समस्या को लेकर कादीपुरा मोहल्ले में पीने के पानी की पिछले डेढ़ माह से भारी दिक्कत है, जबकि इस बारे में मोहाल वासियों के द्वारा जिलाधिकारी और जल संस्थापन विभाग को कई बार शिकायत कर अवगत कराया जा चुका है और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं मोहाल वासियों के द्वारा पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल में भी मिलकर शिकायत की थी, जिसमें जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा अपनी कागजी कौशल के माध्यम से शिकायत को निक्षेपित कर शासन को सूचना भेज दी गई है, लेकिन धरातल पर अभी लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। गौरतलब है कि IGRS से जुड़े ढेरों ऐसे मामले हैं जिनमें शिकायतकर्ताओं को बिना संतुष्ट के जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण कर वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि समाधान न मिलने पर जिले वासियों का शासन की इस सुविधा पर भरोसा कम होता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, अगल बगल हैंड पंपे भी नहीं है और कुआं में भी पानी सूख गया है। DM साहब के यहाँ भी गए थे और मजिस्ट्रेट के यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर कहीं जा नहीं सकते, टैंकर भी नहीं आता है। अच्छा, नल कनेक्शन लगा होगा? कनेक्शन लगा है, डेढ़ महीने से ज्यादा ही हो गया होगा, एक भी पानी नहीं आता। थोड़ी नीचा इस तरह उस तरह वहाँ पानी आ जाता है, टाइम बे टाइम पानी आता है। क्या मांग है आपकी? हमको पानी चाहिए। क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी की बहुत बुरी समस्या है। हम 1076 में फोन किया था, वहाँ DM के यहाँ भी किया, यहाँ अधिकारियों के पास गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। कितना समय हो गया है शिकायत? डेढ़ महीना हो गया। अच्छा, तो क्या रिस्पांस मिला आपको वहाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं आया, ना पानी मिल रहा, कुछ नहीं आया, सब परेशानी। क्या मांग है आपकी प्रशासन? पानी मिलना चाहिए सब। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। गोवर्धन कस्बा में महामारी गाइडलाइन की शर्तों के साथ मंगलवार को बाजार में दुकानें खुली। ग्राहकों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी है। भीड़ के चलते मास्क व शारीरिक दूरी के नियम तार तार हो रहे हैं। पुलिस की ओर से वहां कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। बाजार में कई जगह जाम लगने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में सुबह 7 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इसी को लेकर सुबह 8 बजते ही बाजारों में ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ रही है। बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा, त्रिपोलिया बाजार, मोदी खाना आदि स्थानों पर भीड़ के चलते जाम लग गया। कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोग बिना मास्क के बाजार में देखे गए। कुछ महिलाएं छोटे बच्चों के साथ बाजार में सामान खरीदने पहुंची। इतनी घोर लापरवाही है कि उन्हें जरा भी कोरोना का डर महसूस नहीं था। बाजार खोलने का तय समय समाप्त होने के बाद भी कुछ दुकानदार शटर बंद कर सामान बेच रहे थे। खास बात ये रही कि बाजार में कोविड गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था और इलाका पुलिस मुक्तर्षक बनी रही। पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते महामारी कस्बे में बड़ा रूप धारण कर सकती है। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में शुरू हुआ 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन, लोगों में दिखा भारी उत्साह। फिरोजाबाद में कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी वेव ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, जिसकी चपेट में युवा लोग ज्यादा आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीन लगाने की आदेश जारी की है। जनपद फिरोजाबाद में 10 मई सोमवार से 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने का पहला दिन था, इसलिए सोमवार सुबह से ही वैक्सीन लगवाने की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर देखने को मिली है और फिर सुबह 11 बजे से नगर के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाना विधिवत शुरू हुआ। इस संदर्भ में फिरोजाबाद के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर फिरोजाबाद में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाया गया,
जिसमें काफी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाया और उनमें वैक्सीन लगवाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस सराहनीय प्रयास से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर कितना नियंत्रण हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है सर आपका? पुष्पेन कुमार। पुष्पेन जी, आज जो ये फिरोजाबाद में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीन लगाने का आदेश आया है, तो इसको लेके पब्लिक में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है और कितने लोगों ने वैक्सीन करा लिया अभी तक? अभी तक यहाँ पे 36 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है और लोग बहुत उत्साह देखा जा रहा है। तो कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे वैक्सीन कराने के लिए अभी? और 100 लोग। और ये कब तक चलेगा आपके अस्पताल में 18 से 44 वर्ष तक का? और जो 45 वर्ष से ऊपर हैं उनका कब से स्टार्ट होगा वैक्सीन से लगना? धन्यवाद सर। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन प्रेस क्लब के माध्यम से गैर अभिमान्यता पत्रकारों ने कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग रखी है। उज्जैन प्रेस क्लब के माध्यम से 10 से 2 बजे तक सैकड़ों पत्रकारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह मांग रखी कि जिस प्रकार उन्होंने अभिमान्यता पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स माना है, गैर अभिमान्यता पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स मानकर उन्हें अपनी योजना में शामिल करी और सरकार ने अभिमान्यता और गैर अभिमान्यता की दरार जो पत्रकारों के बीच में खाई पाटने की कोशिश की है, इनको दूर की जाए। उल्लेखनीय है कि आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में पत्रकारों के सभी संगठनों ने 10 से 2 बजे तक अपने अपने शहरों में क्षेत्रों में धरना देकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया है तथा मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि फील्ड में गैर अभिमान्य पत्रकार ज्यादा रहते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं और आम पब्लिक तथा साथ ही सरकार की हर योजना का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गैर अभिमान्य पत्रकारों को कोरोना योद्धा माने। हमारी सबसे पहली मांग है कि सरकार ने अधिमान्यता पत्रकारों को कोरोना वॉरियर घोषित करा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फील्ड में रहने वाले गैर अधिमान्यता पत्रकार ज़्यादा हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि अधिमान्यता के साथ साथ गैर अधिमान्यता वालों को भी इसमें योजना में शामिल करना चाहिए सरकार को, और मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है हमारा पत्रकारों का, क्योंकि फील्ड में काम करने वाले जो रहते हैं तो उनको ही अगर कुछ होना है तो होगा, तो तकलीफ में सबसे ज़्यादा उनका परिवार आएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में ध्यान दें और गैर अधिमान्यता पत्रकारों को अपनी योजना में शामिल करके सबको लाभ पहुंचाएं। बीसीएन न्यूज के लिए उज्जैन से मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। जिला मंत्री महिला मोर्चा पन्ना अमिता पागरी ने गुनौर विधानसभा के क्षेत्र अंतर्गत सुगेरा खरीदी केंद्र एवं गुनौर मुख्यालय में स्थित गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा एवं किसानों से चर्चा की और उन्हें 2 गज दूरी बनाए रखने एवं मास्क पहनने के लिए कहा, साथ ही किसानों को पानी पाउच एवं बिस्किट वितरित किए गए। इस दौरान सोनू पाठक, मंजू विश्वकर्मा, धीरेन्द्र पागरी एवं केंद्रों में स्थित समस्त किसान मौजूद रहे। इस दौरान सोनू पाठक, मंजू विश्वकर्मा, धीरेन्द्र बागरी एवं केंद्रों में स्थित समस्त किसान मौजूद रहे। अमिता बागरी ने गेहूं खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान किसानों से भी चर्चा की और उनसे कहा कि प्रदेश सरकार पंजीकृत सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी। किसान गेहूं को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही बिक्री के लिए लेकर आए, क्योंकि खरीदी केंद्रों में किसानों को कोई समस्या न हो। उन्होंने खरीदी केंद्र के प्रभारियों से कहा कि वे गेहूं लेकर आने वाले किसानों से अच्छा व्यवहार करें और उनकी पूरी मदद करें। अमिता बागरी ने किसानों और खरीदी केंद्र के प्रभारियों से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। किसान खरीदी केंद्र पर मास्क लगाकर या गमछा बांध कर आए। आज हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा गुनौर विधानसभा की खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया गया। किसानों को कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कहीं वारदाने की कोई दिक्कत तो नहीं है, किसान संतुष्ट हैं। उन सारे लोगों की बिल्कुल निरंतर तुलाई हो रही है और उनको यहाँ पे आके कोई उनके लिए जल पानी की व्यवस्था, क्योंकि धूप में किसान परेशान होते हैं, दिन रात तुलाई के लिए बैठे रहते हैं, तो आके उनको थोड़ा सा कुछ
स्वल्प आहार की व्यवस्था कराई और सारे निरीक्षण केंद्र जो हमारे यहाँ के बनाए गए हैं खरीदी केंद्रों पे जाके निरीक्षण किया, उनकी जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण। नहीं, आज मैंने जाके बात की, वारदाने की थोड़ा सा समस्या थी लेकिन तुरंत ही उन्होंने ऊपर अपने उचित अधिकारियों से बात की और वारदाना आ गया था। तो ऐसी कहीं विशेष बहुत बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ा सा किसानों को जिसकी वजह से खामी भुगतनी पड़ती है, तो ऊपर अधिकारी निरंतर अपना काम कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार, डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन एवं शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इनके साथ ही कई सामाजिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं के साथ साथ कई लोग इस महामारी के दौर में हर तरह की मदद कर रहे हैं। इसी तरह खाती गांव के ग्राम संतलपुर में स्थित संत सिंगा जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न प्रकार से खाती गांव कन्नौद तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की मदद की जा रही है। इसके पूर्व लगे लॉकडाउन में भी सोसाइटी द्वारा करीब 4,000 परिवारों को घर घर जाकर निशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया था। संस्था प्रमुख प्रांजल दुबे एवं संकल्प भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उतने प्रशिक्षित डॉक्टर्स नहीं है और जो डॉक्टर्स है वे भी बहुत ही कम संस्थानों में लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में हमारे द्वारा खाती गांव कन्नौद के 50 से अधिक गांव में डॉक्टरों को एवं जिन गांव में डॉक्टर्स नहीं है वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ताओं को करीब 100 पल्स ऑक्सीमीटर निःशुल्क वितरित किए गए ताकि मरीजों का समय से ऑक्सीजन लेवल पता किया जा सके और ऑक्सीजन लेवल कम होने पर मरीजों का समय पर सही इलाज किया जा सके। संस्था द्वारा होम आइसोलेशन वाले मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि मरीज को घर पर ही ऑक्सीजन मिलती रहे। संस्था खातेगांव के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सौरभ दुबे, डॉक्टर सुनैना दुबे एवं डॉक्टर धर्मपाल वैद्य के मार्गदर्शन में कार्य करी है, जिसके अंतर्गत गरीब कोरोना पीड़ितों को एनॉक्सिपेरिन इंजेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण मरीज का खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे मरीजों की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। यह इंजेक्शन खून को पतला कर नॉर्मल करने का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज से मरीज बच जाता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में भी संस्था द्वारा लाउडस्पीकर प्रचार वाहन से खातेगांव कन्नौद तहसील के प्रत्येक गांव में लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रचार वाहन पर संस्था प्रमुख के मोबाइल नंबर चश्मा करने से उक्त नंबर जरूरतमंद द्वारा मदद मांगने पर तुरंत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी देकर मदद की जा रही है। कोरोना के इस महामारी के दौर में संत सिंगा जी एजुकेशनल सोसाइटी और उनकी सहयोगी संस्था द्वारा गरीब लोगों के इलाज भरपूर प्रयास किया जा रहा है उनके इलाज के लिए। और हमने छोटे छोटे गांव में जहां पे प्रथम प्राथमिक उपचार होता है, इस हेतु हमने गांव गांव जाके आशा कार्यकर्ता और छोटे डॉक्टरों को ऑक्सीमीटर का वितरण किया है और जो होम आइसोलेटेड हैं उनके लिए हमने ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध कराई हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए हम गांव गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था निशुल्क की जा रही है। संस्था द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये सारे कार्य निशुल्क किए जा रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। पत्रकार अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आए हैं। पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हुए विकास में भागीदारी निभाई है, तो वही समाज के दुश्मनों को बेनकाबी किया है। लेकिन पत्रकारों को जब सुविधा या सुरक्षा दिए जाने की मांग की बात आती है तो उसे नजरअंदाज किया जाता है। अपने हक की लड़ाई के लिए सोमवार को तहसील प्रांगण में सांकेतिक धरना देकर श्रमजीवी पत्रकार संघ के पत्रकारों ने प्रदेश व्यापी पत्रकार आंदोलन का समर्थन करते हुए तहसीलदार नागेश्वर पानिका को और विधायक आशीष शर्मा के निवास पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि पत्रकारों से लेकर अखबार वितरण करने वालों तक भेदभाव नहीं करते हुए समान रूप से सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से सभा के उपाध्यक्ष विनोद भुतड़ा, जिला उपाध्यक्ष महबूब खान, ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, अतुल गुप्ता, मांगीलाल मालवीय,
आदित्य श्रोतीय, यूसुफ खान, शुभम अग्रवाल, भरत शर्मा, राकेश अजमेरा, चंचल भारतीय, अरुण उइके आदि मौजूद थे। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।